हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चक्कर आना या अचानक सिर चकराना कोई बीमारी तो नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से शारीरिक कमजोरी की निशानी हो सकती है। हालांकि चक्कर आना कई बीमारियों का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि अनीमिया, बीपी कम होना, हार्ट का कमजोर होना, ब्रेन ट्यूमर और बहुत अधिक तनाव होना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चक्कर आने पर आपको तुरंत राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, सूखा धनिया घबराहट दूर कर चक्कर से मुक्ति दिलाने का काम करता है। आप रात को एक चम्मच सूखा धनिया और सूखा आंवला रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस रस को छानकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से चक्कर आने की समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। नंबर दो, अदरक की चाय पिए। सिर घूमने या फिर चक्कर आने की स्थिति में आप अदरक का छोटा पीस मुंह में रखकर इसे टॉफी की तरह चूसिए। यदि आपको इस तरह अदरक खाने में दिक्कत आती है तो आप अदरक की चाय का सेवन भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा ही होगा। नंबर तीन, पुदीना पत्ती की चाय है लाभकारी। सिर घूमने और चक्कर आने की स्थिति में आप पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर उसका सेवन करें। दोस्तों, आपको सिर घूमने के साथ साथ मितली और घबराहट की स्थिति में भी इससे आराम मिलेगा। नंबर चार, हर्बल टी या फिर काढ़ा पिए। एक हरी इलायची, एक लौंग, एक काली मिर्च, चार तुलसी के पत्ते और साथ ही एक चम्मच चाय पत्ती मिलाकर इसे धीमी आंच पर पका लीजिए। करीब 10 मिनट पकने के बाद इसमें आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डालें और 2 से 3 बूंद नींबू का रस मिलाएं। अब इस काढ़े को छान कर पी लीजिए, इससे आपके चक्कर आने की समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।